हाय गाइस, अब वक्त आ गया है कि आप यूज़र से इनपुट लेना सीखें अपने जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, वैसे तो यूज़र से इनपुट लेने के बहुत से तरीके हैं, बट यहाँ हम लोग अभी स्टार्टिंग के लिए एक आसान सा तरीका सीखते हैं। ठीक है, सो हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रॉम्प्ट मेथड का, या फिर प्रॉम्प्ट फंक्शन का। लेकिन फंक्शन और मेथड दोनों सेम ही होता है, आप लोग जानते होंगे। अगर आप सी पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, वहाँ फंक्शन कहा जाता है, जावा में उसी चीज़ को मेथड कहा जाता है। तो चूंकि ये जावा को देखकर, हालांकि जावा से सिमिलर है नहीं, बट नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो यहाँ हम लोग कभी कभी फंक्शन को मेथड भी कहते हैं और मेथड को फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। सो प्रॉम्प्ट मेथड का हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं, द ब्राउज़र प्रोवाइड्स अ बिल्ट इन फंक्शन विच कैन बी यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र नेम्ड प्रॉम्प्ट। इस मेथड मेथड का क्या नाम है? प्रॉम्प्ट मेथड नाम है। द प्रॉम्प्ट मेथड डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट्स द विजिटर फॉर इनपुट। वंस द प्रॉम्प्ट फंक्शन ऑब्टेन्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, इट रिटर्न्स दैट इनपुट। एक सेंटेक्स इसका, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट कॉमा डिफॉल्ट टेक्स्ट। एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉम्प्ट डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं आपका स्ट्रिंग है ये, इसीलिए इंटर योर नेम कॉमा देते हैं, और यहाँ आपको भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, डिफॉल्ट टेक्स्ट दे सकते हैं, वो भी डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। इससे क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँगा प्रैक्टिकली। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें कि आपने डिफॉल्ट टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है, बिकॉज वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल रहता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंटर योर रोल नंबर। सो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली हम लोग, कि क्या होता है इससे, कैसे हम लोग इससे कैसे यूज़र से इनपुट लेंगे, और इसको साथ में कैसे हम लोग अपने वेब पेज में डिस्प्ले करेंगे उसको भी देख लेंगे। सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ आप देख पाएंगे कि ये मैंने लिखा हुआ है कोड। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने प्रॉम्प्ट मेथड का यूज़ किया हुआ है, प्रॉम्प्ट इंटर वैल्यू। ठीक है, इंटर वैल्यू मैंने लिखा हुआ है। देखिए ये मेथड क्या करता है, ये मेथड एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा आपके ब्राउज़र में, और वहाँ यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक बॉक्स देगा। यूज़र जैसे ही उसमें कुछ इंटर करता है, कोई भी वैल्यू इंटर करता है और ओके प्रेस करता है, वो वैल्यू रिटर्न होकर इस मेथड में चला आता है। ठीक है, तो उस मेथड में चला आता है वो। अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज में, तो उसको कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा, किसी भी वेरिएबल में तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इसको असाइन कर दिया है ए में, यानी कि यहाँ से जो भी रिटर्न होकर, यानी कि इस मेथड से जो भी रिटर्न होकर यहाँ आएगा वो असाइन हो जाएगा ए में। और आप अगर ए को डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड के साथ यूज़ करते हो, तो ये आपको आपके वेब पेज में दिखाई देगा। ठीक है, सो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं। सो रन किया मैंने, यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका डायलॉग बॉक्स है, जो कि आपको कह रहा है कि इंटर वैल्यू, जो आप वहाँ टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट यहाँ आपको दिखाई देता है, इंटर वैल्यू। जब आप यहाँ इंटर करते हैं कोई भी वैल्यू, आपको जैसे मान लीजिए कि आपने 10 किया और यहाँ आप ओके में प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ दिखाई देगा वह वैल्यू। ठीक है, अब अगर इंटर योर नेम हम लोग करते हैं, मान लीजिए जैसे कि योर नेम मैंने किया, ठीक है, इंटर योर नेम, इसको सेव करते हैं और इसको आप अगर रन करते हैं तो, और यहाँ अगर आप कोई भी नेम इनपुट करते हैं, जैसे कि मैंने किया गिकी सोस, और इसको ओके में प्रेस करते हैं, तो यहाँ आपको गिकी सोस दिखाई देगा। ठीक है, एक और ऑप्शनल जो था, जो कि हम लोग कॉमा के बाद लिखते थे, इसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्या जी, एक एग्जांपल दे दीजिए अपने यूज़र को कि उसको क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। जैसे कि इंटर योर नेम, तो नेम अगर आप जैसे कैपिटल लेटर में चाहते हैं उससे, तो आप लिख दीजिए अपने कैपिटल लेटर में, एक एग्जांपल के तौर पर कि ये कैपिटल लेटर में है। ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि हाँ मुझे भी कैपिटल लेटर में शायद इंटर करना है। ये रन करेगा, अगर मतलब रन करते हैं आप, तो रन करते हैं तो यहाँ आपको उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाता है कि किस उस लिखा हुआ। ठीक है, वो इसको हटाएगा और यहाँ जो है वो गीकी सोस या फिर जो भी अपना उसको लिखने का है वो लिखेगा, और ओके में प्रेस क्लिक करेगा, तो उसको यहाँ से रिटर्न होकर, देखिए यहाँ जो भी यूज़र इनपुट करता है वो रिटर्न होकर चला आता है इस मेथड के पास, और इस मेथड के पास आया यानी कि ए के पास आया, और एक हम लोगों ने यहाँ से डिस्प्ले कर लिया। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट मेथड जो इस तरीके से पूरा वर्क करता है। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग अभी आगे के ट्यूटोरियल्स में करेंगे, जब भी हमें इनपुट लेने की आवश्यकता पड़ेगी यूज़र से तब। और मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं यूज़र से इनपुट लेने के। और जैसे कि आप देख पाएंगे कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, मैं बता दूं कि और भी बहुत से तरीके हैं डिस्प्ले करने के भी, बट ये आसान है। ये दोनों ही यूज़र से इनपुट लेने का प्रॉम्प्ट के जरिए और डिस्प्ले करने का डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए सबसे ईजी तरीका है।
ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखते रहिए, इसी तरीके से सीखते रहिए. अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछिए. धन्यवाद.